कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान के झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से स्वच्छता का उद्घोष जन मानसिकता में व्यापक परिवर्तन लाया है उपराष्ट्रपति। स्वच्छता अभियान ने शौचालय बनाकर माननीय सम्माननीय माताओं बहनों के जीवन से एक अभिशाप को खत्म किया है उपराष्ट्रपति धनखड़। स्वच्छ भारत मिशन महिला सशक्तिकरण और आजीविका सृजन का एक शक्तिशाली साधन उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने झुंझुनू के परमवीर पीरू सिंह रासी से स्कूल में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान को किया संबोधित। राजस्थान से राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। मुख्य अतिथि है हमारा देश के उपराष्ट्रपति श्री जुड़ जाएंगे। और ये लगातार स्वच्छ भारत मिशन 10 वर्ष पूरा करने के बाद आज हम 10 वर्ष का एक प्रकार का ये कार्यकाल शताब्दी एक दशाब्दी एक सफल अभियान को हर्षोल्लास से आज हम मना रहे हैं और अपने अगले टारगेट ये भी हम शुरू कर रहे हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में देश के हर हिस्से में रहने वाले लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। जैसा हमको उम्मीद नहीं थी कि अभियान ऊंची लद्दाख की पहाड़ियों पर और दक्षिण में केरल के बैकवाटर तक, तमिलनाडु के समुद्र तक, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र तक, गुजरात के बड़े बड़े जितने ऐसे स्थान हैं उन शहरों की स्वच्छता में इंदौर जैसा स्थान देश में प्रथम स्थान प्राप्त करके और हम सबको एक प्रेरणा देगा। कितने बड़े बड़े आयाम इस अभियान के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं। भाइयों बहनों, जैसा हम लोगों ने जो भारत के अंदर देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन और अन्य जन कल्याणकारी काम किए हैं और इसी काम के आधार पर लगातार तीसरी बार में फिर से मौका मिला है कि वो तीसरी बार देश की सेवा करेंगे और मैं इससे राजस्थान के आप सब की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को माननीय मंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका यह अभियान निश्चित ही राजस्थान में मील का पत्थर साबित होगा और झुंझुनू से हम लोग जिस अभियान के आगाज कर रहे हैं आने वाले समय में झुंझुनू के क्लीन झुंझुनू के रूप में हम आपके सामने रखेंगे। मैं सभी अधिकारियों से और इस अभियान के सहभागियों से निवेदन करूंगा आज के इस अभियान को एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग लेंगे और जो आप लोग कहेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय मंत्री महोदय जो हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे उसी दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग चलेंगे। ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, ये देश का प्रोग्राम है, हम सब लोगों को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर इसे बहुत महत्वपूर्ण और सफल बनाने की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी भी हम सब लोगों के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महीने में तीसरी बार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की अगवानी करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और मैं तो प्रार्थना करता हूं आपकी लंबी उम्र हो, आपका मार्गदर्शन, आपका सदैव आशीर्वाद झुंझुनू पर तो बना रहे लेकिन राजस्थान पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। जब भी उपराष्ट्रपति भवन में हम लोग जाते हैं सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राजस्थान की धरती का वो वीर सपूत जो राज्यसभा के सभापति कुर्सी पर विराजते हैं, आज देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता। एक बार पुनः राजस्थान की वीर भूमि पर पधारने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते मेरी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।